सो जय माता दी दोस्तों। आज हम यात्रा तो कर रहे हैं भागलपुर से एलटीटी के बीच में चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में, और इसमें हमने पार्ट वन में जर्नी किया था भागलपुर से सुल्तानगंज क्यूल पटना के रास्ते दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक हम लोगों ने सफ़र कर लिया था। अब करते हैं इससे आगे की यात्रा को शुरू पार्ट टू में। प्रयागराज चौक, तो एक नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आ चुकी है दोस्तों। प्रयागराज चौक रेलवे स्टेशन पे, इसे हिंदी में प्रयागराज छावनी कहते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे पैसेंजर बोर्ड करने वाले हैं इस ट्रेन को। सो दोस्तों, रात के हो रहे हैं 8:30। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने 22वें हॉल्ट प्रयागराज चौक। यहाँ पे 2 मिनट रुकेगी, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है। 40 मिनट डिले से आई, 8:40 हम लोग अराइव किए हैं। और ये प्रयागराज चौक जो है, यहाँ से अपनी हम लोग निकल जाएंगे जबलपुर सतना की तरफ जाएंगे। यहाँ से एक डायरेक्ट लाइन प्रयागराज जंक्शन के लिए जाती है। जो ट्रेन प्रयागराज जंक्शन जाती है वो यहाँ पे नहीं रुकती है, वो स्किप कर जाती है। हमारी ट्रेन को जाना है जबलपुर की तरफ, इसलिए वो यहाँ ये प्रयागराज जंक्शन नहीं जाएगी। और यहाँ देखिए अपने टीटी सर फाइन काटते हुए पैसेंजर का। सबका वीडियो बना दो। चलिए 2 मिनट के बाद हमारी ट्रेन हॉर्न दे चुकी है, निकलते हैं। यहाँ पे बिरयानी बिक रहा है प्रयागराज चौकी से। अरे उतर गए टीटी सर इतने स्पीड में, फाइन काटे और उतर भी गए यही चौकी में। यहाँ देखिए दोस्तों गेट के पास कितने पैसेंजर है सब, क्योंकि वेटिंग वाले अपने भाई साहब सब अभी गेट पे ही रात गुजारेंगे। चले निकल चुके हम लोग प्रयागराज से। तो अभी मैं दोस्तों और अपना ट्रेन का ये वेस्ट खाली आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ये चावल अपना भुजिया आलू का दाल, ये है सब्जी, और ये है रोटी, और ये एक अचार का पैकेट। और अभी मैं पेंट्री में आया हूँ। पेंट्री वाले अपने भैया जो है वो यहीं पे लेके आए, मैं यहीं पे खा लूँ। और यहाँ देखिए पेंट्री में अपने भगवान का पूजा भी होता है, देखिए बहुत अच्छा लगा। सो दोस्तों इटारसी जंक्शन हम लोग पहुँच चुके हैं, और टाइम देख लीजिए 7:10 पे हम लोग अराइव किए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे अपनी इटारसी में। यहाँ पे हमारी ट्रेन का टाइम था 5:10 अराइवल, हम लोग पहुँचे हैं 2 घंटे के डिले से। सो जय माता दी दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग सुप्रभात। 1180 किलोमीटर का दूरी तय करने के बाद हम लोग आ चुके हैं बिहार के सिल्क सिटी से मध्य प्रदेश के ईट और रस्सी के लिए फेमस अपने इटारसी। जी हाँ, इस रेलवे स्टेशन का नाम इटारसी, या इसका इटारसी इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ पे पहले के समय में ईंट और रस्सी का बहुत बड़ा उद्योग था, इसलिए इसे इटारसी नाम है। इटारसी बहुत ही बड़ा जंक्शन पॉइंट है, भारत का 8वां सबसे ज़्यादा व्यस्त रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे आप दिल्ली की तरफ भोपाल की तरफ से आ सकते हैं, हम लोग मुंबई की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा आप नागपुर की तरफ से कोलकाता जा सकते हैं, नागपुर की तरफ से साउथ की तरफ जा सकते हैं, और इधर हम लोग जबलपुर की तरफ से आए हैं। इतने सारे रूट की ये जंक्शन पॉइंट है। आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, भारत का 8वां। हमारी ट्रेन यहाँ 2 घंटे के डिले से आई है, 5:10 अराइवल था, लेकिन हम लोग आए हैं 7:10। और ये अपने भाई साहब सब जाएंगे नासिक जाएंगे ना। हाँ, और भाई रात का कंडीशन थोड़ा बताओ तो कैसा था? रात का तो बहुत खराब था, सोने में बहुत दिक्कत हुआ ना, बाथरूम के पास होना पड़ेगा। सही में बाथरूम के ऊपर से बाथरूम इतना बदबू कर रहा है क्योंकि पूरा गंदा कर देता। हम लोग साथ में रखे थे, परफ्यूम मार के सोया था ये लोग। और भाई पानी जो है वो कोच में पूरा खत्म हो चुका है, सुबह में बहुत प्रॉब्लम हुआ है। सब जो पानी पीने के लिए खरीदे ना वो बोतल लेके सब वाशरूम यूज किए हैं। और फिर इटारसी आने से पहले फिर देखे हैं वो साफ करने वाले स्टाफ आए थे, वो साफ किए हैं, लेकिन पानी अभी तक नहीं भरा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे ये भरता है कि नहीं। और रात में दोस्तों
पेंट्री वाले जो थे भैया वो आए कंप्लेंट करने के बाद हमको ले गए पेंट्री में और वहीं पे हम खाए हैं वो 80 वाला थाली जो सबको 120 में दिया जा रहा था सेम थाली था। खाने का टेस्ट बहुत ही बेहतरीन था, ऐसा कोई बात नहीं था कि वो, हम तो कह रहे हैं वो 150 का भी देता टेस्ट उसका वही था 150 वाला खाने का, ये था क्वांटिटी 150 वाला लग नहीं रहा था लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। सब्जी जो था वो मटर और पनीर का सब्जी था, पनीर बहुत कम था लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था, दाल का भी बहुत अच्छा टेस्ट था, एकदम गाढ़ा दाल था। तो खाना को मैं रेटिंग एकदम मस्त दूंगा, वो बहुत ही अच्छा खाना था। आप ज़रूर इस ट्रेन का खाना ज़रूर ट्राई कीजिए, थोड़ा महंगा भी अगर दे रहा है लेकिन खाइए ज़रूर क्योंकि बाहर से अच्छा आपको मिलेगा, प्लेटफॉर्म से अच्छा इसका पेंटी का खाना। ये मैंने खाया मुझे पता चला, अभी दिन में भी मैं लूँगा तो अभी तक मैंने पेमेंट भी नहीं किया। भैया बोले एक बार ही पेमेंट कर देना, पूरा लास्ट तक जा रहे हो, खाओ पियो आराम से। और रेल नीर एक भी नहीं बेचा जा रहा था लेकिन मैंने कंप्लेन किया तो भैया रेल नीर का पूरा एक डोल भर के ट्रेन में चालू कर दिए बेचना और हमको भी दिए हैं रेल नीर, और आज भी वही रेल नीर ही लेंगे। देखिए कंप्लेन करने का कितना फ़ायदा होता है, आपको सही दाम पे सही चीज़ मिल रहा है, अगर ज़रूरत पड़े तो कंप्लेन ज़रूर किया कीजिए। अब पहला बार मैंने ट्वीट किया था, सही में रिस्पॉन्स हुआ, थोड़ा टाइम लगा, लगभग एक घंटे का समय लग गया ये सारा प्रोसेस होने में लेकिन हो गया सारा कुछ। चलिए अब निकलते हैं, इटारसी से डिले आई है ट्रेन, अब देखते हैं 10 मिनट रुकती है या नहीं। यह देख लीजिए दोस्तों इटारसी में हमारे कोच में फिर से पानी भरा जा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है इस साइड में से, अब जाके पानी आएगा कोच में। और यहाँ गर्मा गर्म इडली भी मिल रहा है अपने, 30 का 3 पीस इडली साथ में सांभर लेते हैं हम भी। और अपने भाई खा रहे हैं ब्रेड आमलेट, कितने का दिया भाई? 60 रुपए का। 60 का दो, टेस्ट कैसा है? अच्छा है। गरम गरम एकदम। चलो भाई अपना लिए हैं ब्रेड आमलेट, हम लिए हैं यह इडली सांभर, ये भी बहुत गर्म है, हाथ पक रहा है भाई। तो हमारी ट्रेन निकल चुकी है इटारसी से और डेले थी फिर भी 15 मिनट रुक गई, बाय बाय इटारसी। अपने लोको पायलट सर बैठे हुए हैं, किसी ट्रेन में चढ़ेंगे, अपने लोको पायलट चेंज होगा उनके लिए। इटारसी से निकलने के बाद 12 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग पहले स्टेशन दुलरिया आती है, वहाँ पे पिछले आधे घंटे से रुके हुए हैं, लूप लाइन पे ली हुई हमारी ट्रेन को। और यहाँ का स्टेशन आप देख लीजिए, लग रहा है जैसे जंगल ही जंगल है। अपने भाई साहब हमारे साथ घूम रहे हैं, हमारे टाइम पास यही हो रहा है, आधे घंटे से हवा खा रहे हैं, बहुत मस्त हवा चल रहा है बना रहे इधर। और यह देख लीजिए अपना रेलवे स्टेशन, लेकिन बहुत ही मज़ेदार रेलवे स्टेशन है, कहाँ मुंबई जैसा बड़ा शहर है कहाँ ये छोटा सा अपना जंगल से भरा ये रेलवे स्टेशन, मज़ा आ रहा है। देखते हैं कोई ट्रेन शायद एक आ रही है, गुवाहाटी LTT AC सुपर फास्ट, वो इटारसी में थी शायद, वो हमें ओवरटेक करेगी, लेकिन आधा घंटा से यहाँ रुकी, आधा घंटा में ये कहाँ भाग गई रहती, 2 घंटा डिले थी, अब हो गई है 3 घंटा डिले, इटारसी में भी बहुत देर रुकी और फिर इधर यहाँ रोक दी है। देखते हैं हमारी ट्रेन कितने डिले के साथ पहुंचती है LTT। चलिए दोस्तों 1 घंटे रुकने के बाद 2 ट्रेन ओवरटेक कर चुकी है, अब जाके अपनी ट्रेन को सिग्नल मिल रही है दुलरिया से, अनाउंसमेंट कर दिया गया है, यह हॉर्न भी मिल चुका।
चलिए फाइनली एक घंटे के बाद निकलते हैं, मजा आ गया इस स्टेशन पे लेकिन एक घंटे में। चलिए जय माता दी। चुके हैं, चलिए भैया बहुत पानी पी लिए। चुका है हमारे ट्रेन का ये लंच दोपहर का, और सेम खाना है जो रात को खाए थे। देख लीजिए ये रोटी, और इसमें है अपना वही सब्जी, ये अचार, ये दाल, ये है भुजिया, और ये है चावल। सेम है जो रात वाला, लेकिन है ये गरम, मतलब फिर से ये बनाया गया, रात वाला ही नहीं दिया, सारा कुछ गरम ही है। टेस्ट भी वैसा ही होगा जैसा रात में हो था। चलिए ये आपको दिखा दिए कि दिन में भी वही खाना मिलता है जो रात में है, खाना में कोई चेंज नहीं रहता है। चलिए आपसे मिलते हैं भुसावल में, कुछ ही समय में भुसावल आने वाला है। तो दोस्तों हमारे जो को पैसेंजर भैया थे वो लिए अपने अंडा बिरयानी, ये देख लीजिए दो अंडा और बिरयानी। कितने का ये, कितने का दिया भैया, कितने का दिया? 100 का। साथ में एक यहाँ पिकल भी है, देख लीजिए नीचे है अपने भैया। चलिए खाने के बाद भैया टेस्ट इसका बताएंगे। और गरम गरम है, हल्का सा नॉर्मल है। पानी तो भरपूर है इस नदी में, लेकिन बीच बीच में पत्थर कितने भरे भरे हैं। महाराष्ट्र के भुसावल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों हमारी ट्रेन भुसावल के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है, आप बोर्ड देख सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे अपने लोको पायलट। दो बज के 4 मिनट पे हमारी ट्रेन अराइव हुई है अपने भुसावल में। तो दोस्तों 4 घंटे की देरी के बाद हमारी 12335 भागलपुर LTT सुपर फास्ट, जो कि नाम की सुपर फास्ट है, आ चुकी है महाराष्ट्र के भुसावल।
वो भी 2:04 पे, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे हमारी ट्रेन का टाइम था 9:55 सुबह में आने का, और ट्रेन हमारा ये है 2 बजे। वैसे यहाँ तक हम लोग 1486 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिए हैं। अच्छा दोस्तों, आपको बता दूं कि भुसावल जो है वो अपने केला के लिए फेमस है। यहाँ का केला जो है उसे GI टैग मिला हुआ है, वर्ल्ड फेमस है यहाँ का केला। और एक और बात, आप अगर अजंता की गुफाएं घूमना चाहते हैं तो यहीं भुसावल आपको उतरना पड़ेगा। यहाँ से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस पे पड़ता है अपना अजंता की गुफाएं, बाय रोड आप वहां जा सकते हैं भुसावल से। का हॉल्ट रहता है 9:55 अराइवल, 10 बजे डिपार्चर। और भुसावल जो है वो अपनी सेंट्रल रेलवे जोन की एक डिवीज़न भी है, तो ये सेंट्रल रेलवे जोन की अंदर आने वाली डिवीज़न है। 9 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है, जिसके 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आई है। और यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बड़ा पाव मिल रहा है, आमलेट मिल रहा है, इसके अलावा यहाँ पे बिरयानी सभी मिल रहे हैं। बिरयानी तो हर जगह ही मिलते हैं। और मैंने जो इसमें खाना लिया है ना आज, उसमें एक चीज़ चेंज था कि मतलब वो जो खाना में रात में पनीर और मटर का सब्जी था, वो अभी काबली चने का सब्जी दिया हुआ था। बाकी सारा कुछ सेम था, टेस्ट रात के जैसा ही A1। और दोस्तों सामने लगी हुई है 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी कामाख्या से जाने वाली लोकमान्य तिलक LTT जा रही है। ये भी हमारे पीछे पीछे थी, ये AC सुपर फास्ट है अपनी। तो दोस्तों हमारी ट्रेन निकल चुकी है भुसावल से। वैसे भुसावल जो है वो अपनी महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट में आती है, और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट रहता है। क्या ये कैमरा उड़िया तो वाला, दो मिनट उड़िया ना यार, बाय बाय भुसावल जंक्शन।